वेलकम बैक के 44 नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी के बारे में, जो कि पहले यूपी बिहार का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था, एप्लीकेशन स्टेटस को जारी नहीं हुआ था, लेकिन अभी अभी सभी का एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया गया है। तो जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का लिंक भी जारी कर दिया गया, राजस्थान उत्तराखंड का भी जारी कर दिया गया। राजस्थान उत्तराखंड का भी इवन सुन दिखा रहा है, लेकिन अभी भी जस्ट जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश का भी जारी हो चुका है। इन तीन डिस्ट्रिक्टों का पहले जारी नहीं किया गया था, लेकिन अभी जारी हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको लॉग इन करके दिखलाता हूँ। सभी का लगभग लगभग एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन आई डी है तो रजिस्ट्रेशन आई डी को डालकर, डेट ऑफ बर्थ को डालकर, एग्जाम सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन एक कैप्चा को जोड़कर फिलअप कर देना है। अगर आपके पास रोल नंबर तो नहीं होगा आपके पास, तो इस रोल नंबर से आप नहीं देख पाइएगा। अगर पहले आगे किसी भी एग्ज़ाम में आपने एग्ज़ाम दिया है तो रोल नंबर आपको मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन आईडी भी नहीं है आपके पास तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपना नाम डालना है, फिर फादर नाम डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका एग्जाम सिटी कहाँ था वो डालना है। डालने के बाद कैप्चा को फिलअप करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं करके दिखलाता हूँ। तो आज मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही लॉगिन करूँगा यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन स्टेटस खुल कर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर टाइम डेट सब कुछ दिखा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नाम, फादर नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कितने तारीख को जो है देख सकते हैं 11/1/2023 को होने वाली है। शिफ्ट मेरा 4 है। तो देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 5:15 से लेकर के 6:15 के बीच है, वो भी मुजफ्फरपुर में होने वाली है। तो इसे तो देख सकते हैं फॉर्म मेरा एक्सेप्टेड हो चुका है। तो इसी तरह से आप हर जगह को, जैसे राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, जिस भी तरह का हों आप कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी, जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में लिख कर दें अपना नाम, अपने नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप कौन सा एग्जाम सिटी चूज किया था वो अपना दें, मैं आपको चेक करके बतला दूंगा। तो जय साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते। जय साथियों, मिलते हैं।